पंजाब को करप्शन से पाक करने के लिए महकमे खजाना की नई हिकमत अमली, जिले इदारों कंपनीज को बैंक अकाउंट खुलवाने से पहले मंजूरी लेना होगी। भारी तनख्वाहों की मंजूरी भी महकमे खजाना देगा। इदारों और कंपनीज को महाना रिपोर्ट लाजमी जमा करवाना होगी। महकमे खजाना ने मरासला जारी कर दिया। मियांवाली के हलका PP 87 से जिमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट आवेजा कर दी गई। 10 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल 4 सितंबर तक की जाएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से गिरा फरोशी रोकने के लिए मजीद इकदाम। जिले इंतजामिया की तरफ से नामजद 3 अफसरान को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियार दे दिए गए। अफसरान को गिरा फरोशी के खात्मे के लिए काम करने की हिदायत जारी। मुल्तान के एक्साइज टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में स्टिकर और कॉपीज का बहरान। इदारे को एक हफ्ते में 20 लाख रुपए से जायद का नुकसान का सामना। गाड़ियों के ट्रांसफर रुक जाने से आवाम परेशान। रोही बना जद्दा में फंसे हाजियों के आवास। एयरपोर्ट पर रह जाने वाले 4 हाजियों को बोर्डिंग कार्ड जारी। सऊदी एयरलाइन की परवाज से कुछ देर में वतन वापस पहुंचेंगे। रोही पर खब नष्ट होने के बाद डायरेक्टर हज ऑपरेशन रेहान खोखर ने लवाहिकीन से राबता किया। रेहान खोखर कहते हैं तरजीही बुनियादों पर हाजियों के लिए इकदाम किए। मुल्तान के GHQ हॉस्पिटल से निकाले जाने वाले 50,000 डेली वेजेस मुलाजमीन का शहबाज शरीफ हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज। 2 माह की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई। मुजाहरीन की प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी। कांगू वायरस फिर सर उठाने लगा। मुल्तान के निशर हॉस्पिटल में कांगू वायरस के शोबे में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शख्स को दाखिल कर लिया गया। मुल्तान में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए दौड़ नाकिस इंतजाम के बायस बदनस्मी का शिकार। कई लड़कियों की हालत गैर, 2 बेहोश होकर गिर पड़ी। कई उम्मीदवारों के वक्त खत्म होने पर एंडिंग लाइन अबूर करने की कोशिश। उधर रहीमजा खान में भी कांस्टेबल्स की भर्तियों के लिए नौजवानों की 1.5 किलोमीटर तक दौड़। रोही की खबर पर एक्शन मैप को हुकाम ने वेबसाइट अपडेट कर दी। 3 माह से वेबसाइट अपडेट न होने के बाद सार्फीन को शदीद मुश्किलात का सामना था। वेबसाइट पर कमिश्नर मुल्तान का नाम भी दुरुस्त कर दिया गया। चैंबर ऑफ कॉमर्स बहावरपुर के वफ की डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अयूब खान से मुलाकात। वफ की जानिब से इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए दरपेश मसाइल के हल के लिए इकदाम की अपील। डिप्टी कमिश्नर ने मसाइल की फौरी हल के लिए इकदाम जारी कर दिए। सरसब्ज मुल्तान का अज़्म। पाक आर्मी के तावुन से स्कूल्स में शजाकारी मुहिम शुरू करने का फैसला। असिस्टेंट डायरेक्टर CEO एजुकेशन ने तमाम GEOs को मरासला लिख दिया। पाक आर्मी की टीमें मुल्तान शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के मुख्तलिफ स्कूल्स में शजाकारी मुहिम में हिस्सा लेंगी। दरियाए सिंध की तबाहकारियां जारी। दरियाई कटाव से भक्कर लैया डेरा इस्माइल खान के मुल्हिका इलाके दरियाबुर। हजारों एकड़ अराजी तबाह हो गई। अहले इलाका हिजरत करने पर मजबूर। मुतासरीन की हुकूमत से इकदाम की अपील। हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों के मुकाबलों की मनसूखी के बावजूद जनूबी पंजाब भर की आवाम में गम व गुस्से की लहर। पंजाब बार काउंसिल की आज सुबह भर में वकला की मुकम्मल हड़ताल की कॉल। लाहौर हाईकोर्ट बार का हड़ताल से लातालुकी का ऐलान। उधर राजनपुर में अंजुमन ताजरान की एहतजाजी रैली। हॉलैंड से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा। गर्मियों की छुट्टियों के बाद हाईकोर्ट बहावीपुर बेंच के लिए नया जस्टिस रोस्टर जारी कर दिया गया। 4 जजेस 3 सितंबर से अपने फराइज सर अंजाम देंगे। और लोधरा के ट्रैफिक पुलिस स्कूल में ऑनर विद गेस्ट सेमिनार का इनेकाद। ट्रैफिक पुलिस अफसरान और अहलकारों की भरपूर शिरकत। इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन ने शिरकत से खिताब किया। सेमिनार का इनेकाद हर 15 रोज बाद किया जाएगा।